अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज के लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप जो है पाकिस्तान में अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको या यूके में से। आपके जो क्लाइंट्स हैं ज्यादातर गोरे होते हैं, आप क्या करते हो, फाइवर पे उनको हायर करते हो, फाइवर के थ्रू वो आपको पे करते हैं, पर के थ्रू पे करते हैं, तो ज्यादा टैक्स लगता है, 15% 20% वो रख लेते हैं, तो आपको क्या बचा पीछे। ठीक है, तो एक जो लेजिट तरीका है, लेजिट मतलब $1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 तक की जो अमाउंट पाकिस्तान में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आप इजी वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए जो पेमेंट आपको पाकिस्तानी बैंक में रिसीव हो जाती है, कौन कौन सी कंपनीज अलाउ करती हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे दोस्तों के पास पेपाल होता है, पेपाल पाकिस्तान में तो है नहीं, लेकिन आपको बनाना मैंने सिखाया, आपके पास पेपाल में पैसे पड़े पाकिस्तानी बैंक में 1 मिनट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट आप पेपाल से पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर तक की अमाउंट इजीली। उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बात अश्योर करनी होगी कि आपकी जो पेमेंट है वो लेजिट है। ठीक है, लेजिट पेमेंट जो होती है वो मिनटों में नहीं, सेकंड्स में आपके अकाउंट में आती है, फॉरन वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरती हुई। अब देखो, अगर मुझे पाकिस्तान में ट्रांसफर करना है पेपाल से, किसी भी पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ पर zoom.com एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से आप ट्रांसफर करो। अपने क्लाइंट को आप अपने बैंक की डिटेल दे दो, अपना IBN नंबर दे दो, अपना नाम दे दो, और जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, सिटी का नाम, पोस्टल कोड, ये सारा कुछ आप दे दो उसको। जूम ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आकर आपने उसे कहना है कि अपना जो पेपाल है इसके साथ लिंक करेगा, और आप जो है अपना बैंक अकाउंट दोगे उसे, पाकिस्तानी बैंक में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स वैक्स है और जो डॉलर का रेट है वो पाकिस्तानी 10 रुपीज कम मिलता है। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट है वो सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरते हुए 1 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, समटाइम अगर आप करते हो जुम्मे को तो हफ्ता एक बार की छुट्टी जो है वो दरमियान में काउंट होती है, फिर मंडे को आपको पेमेंट मिलती है। आप कोशिश करो मंगल, बुध, जुमेरात, इन 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हो ना, तो आपको एक इजी वे में 1 से 2 मिनट के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से पाकिस्तान में आप पेपाल से किसी भी कंट्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी। अब मैं तो यहाँ पाकिस्तान की बात करूंगा आपसे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो डॉलर का रेट है गूगल के ऊपर मेरे हिसाब से जो है वो तकरीबन 285 है, पता नहीं कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम करेंसी जो है उसे सेट आउट कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका। पेपल अपना लिंक करोगे, पेपल वेरीफाई होना चाहिए, ये नहीं कि इंडिविजुअल हो, और उसके ऊपर बिजनेस पेपल और वेरीफाइड पेपल जो है इसके ऊपर चलेगा। आप अगला जो प्रोसेस है खुद ही देख लेना। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपको यूएसए से, यूके से या मजीद दूसरे कंट्री से लेनी है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। समटाइम जो है लोग वो कहते हैं कि यार हमारे जो पैसे हैं वो फंस ना जाए, तो हमें एक लेजिट बंदे की वीडियो चाहिए, तो मैं जो है आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक तो मनीग्राम सबसे बेस्ट है, मनीग्राम का नाम आपने सुना होगा। दूसरा वाइज, अगर आपके पास वाइज का अकाउंट है तो आप वाइज से पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आजकल वाइज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा इशू आ रहा है उसके ऊपर। तो वाइज ये भी सिक्योर है, इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। आप किसी भी दूसरे बंदे से कह दो मेरा बैंक अकाउंट ले ले पाकिस्तानी, उसने वाइज के अकाउंट से कर देगा। अच्छा, यहाँ पर रेमिटली सबसे बेस्ट है। रेमिटली अगर आप कनाडा से, मेक्सिको से, यूएसए से पाकिस्तान में करे हो, तो रेमिटली से आप लो। रेमिटली से आपने हमेशा एक्सप्रेस डिलीवरी लेनी है, इकोनॉमी नहीं लेनी। अगर आप इकोनॉमी लेते हो तो 6 दिन बाद मिलेगी, अगर आप एक्सप्रेस लेते हो, एक्सप्रेस आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। सबसे अच्छा रेट रेमिटली देता है आपको। उसके बाद एक कंपनी है रिया, जो कि यूके में है, रिया के थ्रू आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में जाकर ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बढ़िया अमाउंट नहीं होगी, बल्क में 15,000, 20,000, 40,000 डॉलर नहीं, ये आप इतनी बड़ी अमाउंट नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट 3,000 डॉलर तक बस। अच्छा, रेमिटली वर्सेज, अच्छा उसके अलावा मनीग्राम सबसे बेस्ट है। रेमिटली मैंने आपको बताया, रेमिटली की वेबसाइट पे आप चले जाओ, आप अपना कार्ड अटैच करो, किसी भी कंट्री में आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है, और सम टाइम काफी सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, दूसरे कार्ड यूज कर रहे होते हैं, किसी दूसरे का कार्ड आप यूज नहीं कर सकते, ये आपके फेस की वेरिफिकेशन लेता है, फेस आपका स्कैन करता है, ये जो मालिक होता है, जो बंदा कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, उसके फेस की वेरिफिकेशन लेता है ये, तो डोंट ट्राई टू स्कैम एनी पर्सन। अच्छा, उसके अलावा वेस्टर्न यूनियन से आप जाकर किसी भी बंदे की IT कार्ड के ऊपर पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हो। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जिन बेचारों को पता नहीं होता अमाउंट हमने बाहर से मंगवानी कैसे है, वैसे तो पता हर फ्रीलांसर को है। ठीक है, ये रिया आ गई कंपनी। अच्छा, नेशन रेमिट, ये भी बेस्ट है। उसके अलावा वर्ल्ड रेमिट, ये भी बेस्ट है, सारे बैंक में, UPL में है, मिजान में है, आप किसी भी बैंक में जाकर अपना ID कार्ड दो
और अपना पर्पस बताओ, कौन है बंदा, कॉन्फिडेंट हो के आपने बताना है कि हाँ भाई फलाम बंदा है, मेरा क्लाइंट है, गोरा है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरे पैसे आए हैं, बस वो आपको पैसे निकाल कर दे देगा। कोई बहस नहीं करनी आपने उसके साथ, वो आपसे पर्पस पूछता है, पर्पस क्या है आपका, क्या काम करते हो, कौन है भेजने वाला, 3 सवाल पूछते हैं, आपने उन्हें बता देना इतने डॉलर है, फलाम बंदा है और ये काम करता हूँ मैं, मेरा ये पर्पस है, इसके साथ आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। बैंक बस यही चीजें आपसे पूछते हैं जो लेजेड होती हैं आपकी, ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन वहां पर उनको भी अलाउ नहीं होता। खैर ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर इसलिए की कि आपको कोई मुश्किल वगैरह ना हो और एक लिमिटेड जो अमाउंट है वो आप इजीली ले सकते हो। अगर zoom.com की बात की जाए तो एक दिन में आप $3,000 ट्रांसफर कर सकते हो पाकिस्तान में, वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा रेमिटले की बात करें तो एक दिन में आप $1,000 से $1,500 तक ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके अलावा अगर मनीग्राम की बात की जाए या किसी और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो उसके ऊपर 1,200, 1,800, 2,000 तक लिमिट होती है एक दिन की, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप एक दिन छोड़ के एक दिन फिर आप पैसे मंगवा लो, लेकिन सारा जो है एक इजी और बेस्ट प्रोसेस और वेरिफिकेशन से गुजरते हुए आपके अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर टैक्स की बात की जाए तो हर एक वेबसाइट का अपना टैक्स का वो है कि वो अलग अलग वो टैक्स चार्ज करती है, कोई $1, कोई $2, $1,000 के ऊपर, कोई $3, कोई $10, कोई $15, तो इस तरह से, ठीक है। जितने ज्यादा टैक्स वो लेती है, सबसे सस्ता रेमिटली है, और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया zoom.com, ये हर कंट्री में अवेलेबल है, आप यहाँ से कर सकते हो और आप पाकिस्तान में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको कोई और सवाल हो, कोई और सजेशन हो, या आप मुझे वीडियो कमेंट में लाजमी बता देना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का और उसके ऊपर अमल दरामद करने का।